डाली फूलों की, तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो डाली डाली फूलों की, तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं हूं मंजू नेगी, भगवान बद्री विशाल के पावन भूमि चमोली गढ़वाल से। तो चले फ्रेंड्स, शुरू करते हैं पहाड़ों के इन हसीन वादियों के बीच से आज का एक और नया ब्लॉग। तो आज पहाड़ों में मौसम की बात करें तो सुबह से ना चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छाया हुआ था और ऐसा लग रहा था एकदम से अंधेरा हो गया होगा। तो अभी ना थोड़ा आसमान खुल गया है। तो फ्रेंड, आज सामने का मौसम कुछ इस तरह से है और आज ना सामने वाली पहाड़ियों पे धुंध भी लगी हुई है। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां, गीत सुनाए मीठे मीठे। अभी सुबह के करीब 8:30 हो गई है। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने गांव के पास वाले गांव, खेती गांव। तो अभी मैं वहाँ कुछ सामान लेने जा रही हूँ और चले फ्रेंड चलते हैं, आप लोगों को मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। तो मुझे आज वीडियो बनाने का टाइम घर में लगा नहीं, तो मैंने सोचा रास्ते में बना लूंगी। तो ये हमारे यहाँ से कच्ची रोड कट रखी है और मैं अभी आ गई हूँ अपने और जो खेती गांव है उसके ठीक बीच में, यानी वहाँ पे एक गधेरा पड़ता है। तो गधेरा वाली पार हमारा है और वाली साइड है खेती वालों का, वो गधेरे से पल्ली साइड है, ये सारा खेती वालों का। तो जो ये खेत यहाँ पे टूट रखे हैं तो ये पिछले साल के बरसात में टूटे हुए हैं। तो गाइज ना, पिछले साल इतनी बरसात हुई कि ऊपर से टूट के ना और यहाँ से पूरी रोड भी खराब करके और यहाँ नीचे तक ना भयंकर वाला ये गिर गया है यहाँ पे, और खेती वालों का यहाँ पे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। पूरे खेत टूट गए हैं उन लोगों के। बादलों की ओढ़नी वादियां, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड। अभी मैं आधे रास्ते में आ गई थी, तब तक ना भाभी जी आ गए हैं सामान लेके। तो अभी हम यहीं पे हैं, आधे रास्ते में बैठ के हैं और अभी मैं यहीं से जाऊंगी सामान लेके घर। और अभी ना बहुत ज्यादा धूप भी लग गई है। तो ये ना मेरी कॉमेडी भाभी जी है, बहुत ज्यादा कॉमेडी भी करती है, डांस भी करती है। तो मैंने बोला भाभी जी को अभी भी दिखा दे डांस। एक तो भाभी जी ना अभी मना कर रहे हैं, बोले घर में अभी खाना खुना नहीं बनाया हुआ है, तो इसलिए अभी मैं जल्दी में हूँ, कभी कर लेंगे डांस। पैसे दे देना भाभी को। भाभी बोली मुझे पैसे चाहिए तब मैं डांस करूंगी, बाकी फालतू में मैं डांस करने वाली नहीं हूँ। मेरे खाते में 10,000 डाल देना। भाभी जी कहते किसी तक खाते में 10,000 आने चाहिए तब जाके डांस दिखाऊंगी। बोल के भाभी तो यहाँ पे भाभी जी ने गोबर की कंडी भी ला रखी है साथ में, और इस कंडी में ना भाभी जी ले जाएगी घास बना के। हाँ, पूरे माथी नहीं वो। ये ऊपर पे है भाभी जी का खेत और वहाँ पे बनाएंगी भाभी जी घास। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां, गीत
सुनाए मीठे मीठे। ए वो चलता बाय जाता। हाँ तो वहाँ पे भाभी जी भी चली गई है और मैंने अपना सामान ले लिया है। तो चले फ्रेंड चलते हैं घर की ओर, क्योंकि अभी नाश्ता भी नहीं किया और भूख लगने लग गई है। तो ये पाखा है हमारे गांव वालों का, तो यहाँ हम हरी घास के लिए भी आते हैं। और ये इधर जो साइड है यहाँ हमारे गांव वालों ने घास पाल रखा होता है, और ये घास की कटाई ना जनवरी में किया जाता है। तो गाइस यहाँ पे देखिए अभी बरसात शुरू हुई नहीं कि ना ये पहाड़ जो है वो टूटना शुरू हो गया है। तो आज ना ये काफ़ी ऊपर से टूट के आ गया है नीचे, और यहाँ पे कल तो रोड पूरी बंद हो गई थी, लेकिन अभी किसी ने यहाँ पे थोड़ा सा गाड़ी जाने के लिए बना दिया है, नहीं तो ना बहुत मुश्किल हो रही थी यहाँ से जाने के लिए। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये पहाड़ से ना पानी निकल रहा है, तो किसी ने यहाँ पे एक पाइप का टुकड़ा ला रखा है और यहाँ पे एक अच्छा सा धारा बना दिया है, तो यहाँ पे पानी पीने के लिए ना काफ़ी सुविधा हो रही है, नहीं तो यहाँ से सीधा घर में जाना पड़ता पानी पीने के लिए। तो फ्रेंड अभी मैं जिस साइड हूँ तो इस साइड हमारे गांव वालों का है झंगोरा और साटी की सार। तो ये वाला रास्ता हमारा इस सार के बीचों बीच है, और ये देखिए यहाँ पे झंगोरा और साटी की सार इतने ही प्यारे और हरे भरे लग रहे हैं। तो ऐसे में ना पहाड़ों की सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। अभी मैं अपने गांव के नज़दीक पहुंच गई हूं, तो इस साइड से ना आप लोगों को अपने गांव का नज़ारा दिखा देती हूं। तो चलिए फ्रेंड आप भी इंजॉय कीजिए। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ते ओढ़ने वादियां। चलिए हो ना अभी जाऊँ तो तुम मान से है तो खेजो चाहिए। और यहाँ से मेरे पापा आ रहे हैं और पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। अभी यार तीन तक चले और जाने लगी दीप लगा अच्छा मतलब। तो आजकल लोग ना ये हथौड़ा ले जा रहे हैं सेम पे लगाने के लिए, और सेम की बेल ना बड़ी बड़ी होती हैं, तो उसके लिए ये यहाँ पे एक सपोर्ट चाहिए, तो इसको ले जा रहे हैं। अभी मैं घर में पहुँच चुकी हूँ, तो अभी ना भूख बहुत ज़्यादा लग गई है। तो चलिए फ्रेंड फटाफट से मैं ब्रेकफास्ट कर देती हूँ और आप लोगों को मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। तो काकू क्या कर रहा है यहाँ पे? अच्छा तुम्हार क्यों रहा है? ऐसे लोग बोलेंगे कितना गंदा बच्चा है, पढ़ाई नहीं कर रहा। क्या पढ़ा तूने अभी? कल वाला काम कर रहा है, चल तो कर है, मैं ब्रेकफास्ट कर देती हूँ। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर, बादलों की ओढ़ते ओढ़। अभी शाम के 5:30 हो गए हैं, तो आज ना दिन भर मेरा घर का ही काम हुआ, तो घर में आज मेरा बहुत ज्यादा काम था, तो इसलिए आज मैं कहीं इधर उधर नहीं गई। तो अभी भी जा रही हूँ मैं अपने सगवाड़े में, तो वहाँ मैं हो रखे हैं मिर्च की गुड़ाई करने के लिए, छेम की गुड़ाई करने के लिए। तो जो मैंने छेम बोई थी वो भी काफ़ी बड़े हो गए हैं और उनमें भी बहुत सारी झाड़ियाँ आ गई हैं, तो कुछ कुछ तो मैंने सुबह की कर दी थी गुड़ाई, और कुछ तो बचे हुए हैं अभी, और उनकी गुड़ाई मैं अभी करूँगी। तो और यहाँ पे देखिए जो ये हमने मूली बो रखी थी, तो ये अभी काफ़ी बड़ी हो गई हैं, और इनकी जो पत्तियाँ हैं ना वो सब्जी के लिए बहुत अच्छी हो रखी हैं आजकल, और इनकी सब्जी ना बहुत अच्छी स्वादिष्ट होती है हरी सब्जी। और यहाँ पे मुंगरी का पेड़ भी काफ़ी बड़ा हो गया है,
और वहाँ पे काकू कौन सा खेल खेल रहा वहाँ पे है? क्या फ्री फायर? कौन सा खेल खेला? फ्री फायर। बस तेरा कुल फ्री फायर ही है। कहाँ गया वो तेरे साथ का? यहाँ से आ गया। आजकल बच्चों का ना खतरनाक गेम चल रखा है इन दोनों का खासकर। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे जो छेम बोई थी कुछ दिन पहले और अभी वो ना इतनी बड़ी हो गई हैं, तो इनमें जो झाड़ियाँ आ रखी हैं छोटी छोटी सी उनकी मैंने कुड़ाई करनी है। तो चले फ्रेंड फटाफट मैं इसको निपटा देती हूँ। सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में हो पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़। अभी शाम के 7:30 बज चुकी है तो मैंने उस खेत की गुड़ाई कंप्लीट कर दी है। तो अभी ना मेरे हाथ में थोड़ा सा कुदाल की चोट भी लग गई है तो उसमें ना थोड़ा दर्द भी हो रहा है और यहाँ ना बारिश आने भी शुरू हो गई है तो आसमान भी बिल्कुल खराब हो गया अभी और बारीक बारीक बारिश की बूंदें आने भी शुरू हो गई है। तो चलिए फ्रेंड आज की वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड मिलती हूँ मैं आप लोगों को अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि जय उत्तराखंड। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर